बहुत सारी लड़कियों के बहुत काम आने वाली है। आज हम करने वाले हैं होममेड स्किन व्हाइटनिंग फेशियल, जिसको करके आप अपने स्किन कॉम्प्लेक्शन को 3 शेड तक लाइट व्हाइट ब्राइट बना सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि जैसे फेशियल के अंदर 5 या 6 स्टेप होते हैं ना, तो इसके अंदर भी आपको 5 स्टेप मिल जाते हैं, यानी क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, जो भी फेशियल में होता है वो सारे स्टेप आपको यहाँ मिलेंगे। आपके स्किन की हर एक प्रॉब्लम को शोर करेगा। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ शादी पार्टी आने वाली है, या फिर वैसे भी आपको अपने स्किन से बहुत ज़्यादा प्यार हो और आप नहीं चाहेंगे कि आपकी स्किन पर प्रॉब्लम्स आए, तो इस फेशियल को एक बार करके देखिएगा। मार्केट वाले फेशियल करने से पहले इस फेशियल को जब आप करेंगे ना, तो आप मार्केट वाला तो टोटली भूल जाएंगे, और उसका जो रिजल्ट्स है वो इतना हैरान कर देगा कि एक ही बार के यूज से आपको लगेगा कि पता नहीं कितने सालों से इतनी सारी गंदगी इकट्ठा हुई थी आपके फेस पे, और वो सारी निकल गई है और एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन आपकी निकल आएगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ जाते हैं ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत जाइएगा। आपको लेना है एक टमाटर की प्यूरी, मेरे पास 1/2 कटोरी प्यूरी है। एक टमाटर लेना है, वॉश करना है, ग्रेट कर लेना है, ग्राइंडर में घुमा लेना है, जैसे भी करके उसकी प्यूरी आपको बना लेनी है, ओके। फिर आपको क्या करना है, एक 1/2 टमाटर लेना है, 1/2 ही टमाटर चाहिए आपको, ज़्यादा नहीं लेना, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। अब इसको लगाने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि आप देख सकते हैं मेरा स्किन कॉम्प्लेक्शन यहाँ पे कैसा है। अभी ध्यान से देख लीजिएगा, और जब ये फेशियल हमारा कंप्लीट होगा तब आप मेरे स्किन कॉम्प्लेक्शन को देखेंगे और मेरी स्किन को देखेंगे, बड़े ध्यान से देखेगा कि क्या क्या स्किन प्रॉब्लम्स हैं मुझे। और ये फेशियल हम करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्लींजिंग। क्लींजिंग करने के लिए 1/2 टमाटर फेस पे घुमाना है, कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। क्या काम करेगा ये, आपके जितने भी स्किन डर्ट है, गंदगी है, मैल है, उसको हटाएगा, ताकि जो फेशियल स्टेप हम करेंगे उसका हमें प्रॉपरली तरीके से रिजल्ट मिल जाए। ये इतने बेहतरीन तरीके से आपके ऑयल को, एक्सेस ऑयल को, आपके डर्ट को, धूल को, मिट्टी को, ब्लैक हेड को, एक्ने को, पिंपल को, बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। 5 मिनट के लिए अपने आंखों के आसपास, नोज के आसपास, चिन एरिया पे, पूरे फेस पे, आप चाहें तो गर्दन पे भी इसको कर सकते हैं करके। और पानी के साथ वॉश नहीं करना है, आप यहाँ पे टिश्यू के साथ वॉश कर सकते हैं, इसको पोंछ सकते हैं, कॉटन के साथ पोंछ सकते हैं, या फिर किसी कॉटन के कपड़े के साथ भी आप इसको पोंछ सकते हैं। पोंछना है, वॉश आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इस स्टेप के बाद अगर आपको लगता है आपकी स्किन पे काफ़ी ब्लैक हेड भी हैं, वाइट हेड भी हैं, एक्ने भी हैं और पिंपल भी हैं, तो फर्स्ट स्टेप के बाद यानी क्लींजिंग के बाद आप स्टीम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टीम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम स्किन पे नहीं है। अगर आपको इसका और ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप यहाँ पे स्टीम वाला जो स्टेप है वो भी कर सकते हैं, बेझिझक होके और अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। सेकंड जो आपका स्टेप होगा वो होगा स्क्रबिंग। स्क्रबिंग करने के लिए अगेन हमारी जो प्यूरी है उसमें से आपको 3 चम्मच प्यूरी लेनी है, टमाटो प्यूरी, और उसके अंदर आपको डाल देना है बेसन 1 या 2 चम्मच। बेसन नहीं यूज कर सकते हैं तो आप यहाँ पे चावल का आटा भी डाल सकते हैं। बेसन के अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और ये अच्छे से आपके एक्सेस ऑयल को हटाता है। अच्छे से अपनी स्किन पे इसके साथ आपको स्क्रबिंग करनी है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि व्हाइट हेड, ब्लैक हेड बहुत ज़्यादा मात्रा में है, नोज के आसपास बिल्कुल अच्छे से आपको रब करना है। मैं ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से रब करके दिखा रही हूँ, और जैसे जैसे मैं इसको रब कर रही हूँ ना, मेरी स्किन और ज़्यादा स्मूथ और बिल्कुल सिल्की बनती जा रही है। तो देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, जेंटली, हाथों से ज़्यादा रब नहीं करना है, केवल 2 या 3 मिनट के लिए आप स्क्रबिंग करेंगे और उसके बाद आप सिंपल पानी से अपने फेस को धो लेंगे, ओके। अब बारी आती है हमारी क्रीम। कौन सी क्रीम, जो फेशियल में 15 मिनट बोला जाता है कि आपको इसे अपने फेस पे लगाना है, तो वही क्रीम आपको कैसे बनानी है, टमाटो प्यूरी ले लेनी है आपको, और उसके अंदर आपको 1 चम्मच डाल देना है, 2 चम्मच डाल देने हैं दही। अच्छे से मिक्स करना है। जब टमाटर और दही आपस में मिल जाते हैं ना, तो कोई भी आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को निखरने से रोक नहीं सकता है। इतना पावरफुल ब्लेंड है दोनों का, दोनों के अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज हैं, दोनों के अंदर विटामिन सी है, जो बिल्कुल आपके जो बैक्टीरिया है स्किन के ऊपर उसके साथ फाइट करेगा, और आपके स्किन जितनी डैमेज हो चुकी है, आपके टिश्यूज जितनी डैमेज हो चुकी है, उनको रिपेयर करेगा और आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को निखारेगा। बिल्कुल अच्छे से इसके साथ अपने फेस पे आपको मसाज करनी है, कितने मिनट, 15 मिनट तक। आप फोन के अंदर टाइम देख लीजिएगा कितने बजे आपने स्टार्ट की है, और 15 मिनट तक आप बिल्कुल जैसे फेशियल वाले स्टेप होते हैं ना, बिल्कुल सर्कुलर मोशन में आप बिल्कुल आंखों पे भी इसके साथ आपने मसाज कर सकते हैं। अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, अगर आपकी स्किन लूज हो चुकी है, या फिर अगर आपकी आंखें अंदर की तरफ चली गई हैं, तो भी ये फेशियल आपके बहुत काम आ सकता है। ये क्रीम के साथ आप 5 मिनट तक अपनी आंखों पर मसाज करेंगे, फिर पूरे फेस पे मसाज करेंगे, फोरहेड पे मसाज करेंगे, अपर डायरेक्शन में मसाज करेंगे, सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे,
जो आपके पॉइंट्स हैं फेस के ऊपर उनको प्रेस करेंगे। तो 15 मिनट तक कैसे भी करके आपको इस क्रीम के साथ अपने फेस पे मसाज करनी है। आप चाहें तो अपनी गर्दन पे भी इसके साथ मसाज कर सकते हैं, और मसाज करते करते ही आपको ये फील होगा का आपका जो स्किन है वो बिल्कुल मतलब स्मूथ, शाइनी और सिल्की बनता जा रहा है। जब आप इस फेशियल को करके हटेंगे ना, और जब आपने मिरर में फेस देखेंगे, तो वो शाइन, वो गजब की चमक आपको अपने स्किन पे दिखेगी। और ऐसे हाथ लगाएंगे ना, तो आपका स्किन पे से हाथ ऐसे फिसलना शुरू हो जाएगा। तो 15 मिनट तक आपको मसाज करनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक टिश्यू लेना है और उसके साथ इसको पोंछ देना है, वॉश नहीं करना है, पोंछ देना है। ओके, फिर हमारा स्टेप आता है पैक। पैक बनाने के लिए आपको चाहिए होंगी दो चीजें, एक तो है आपकी मुल्तानी मिट्टी और सेकंड है आपका कॉफी। हाँ, कॉफी इतनी कमाल की है कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो पिगमेंटेशन है, जो झाइयां बोलते हैं, वो जा नहीं रही है, तो आप रेगुलर बेसिस पे कॉफी का यूज करिए। तो कॉफी लेने के बाद अच्छे से इसका एक पैक तैयार कर लेंगे, अगेन टमाटो प्यूरी के साथ। ये आपका पैक बन के तैयार है, और क्रीम की मसाज करने के बाद ये पैक आपको अपनी स्किन पे लगा लेना है, बहुत अच्छे से लगाना है, मसाज करते हुए लगाना है, नेक पे भी लगाना है और फेस पे भी लगाना है, आंखों से बचा के थोड़ा सा। आंखों पे आपने दही और टोमेटो की मसाज कर ली वो काफ़ी है, तो आंखों के ज़्यादा पास नहीं लगाना है, लगा के और आप इसको कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये प्रॉपरली तरीके से सूख जाएगा। जैसे ही आपका प्रॉपरली तरीके से सूख जाएगा, तो सिंपल टैप वाटर के साथ आप अपने फेस को वॉश कर देंगे। और यकीन मानिए, जब मैं अपने फेस को वॉश कर रही थी ना, मेरा हाथ ऐसे फिसल रहा था स्किन पे से। और आप जैसे ही फेस वॉश करके आएंगे, अब आप मेरी स्किन को देख सकते हैं। पीछे जाइए, वो वाली स्किन देखिए और इस स्किन को देखिए। आपको, आप बोलते हैं ना कि आपकी स्किन पे डिफरेंस नज़र नहीं आता है, तो आज आपको डिफरेंस नज़र आएगा, बिल्कुल आएगा, ध्यान से देखेंगे तो। वो स्किन थोड़ी सी डल थी, और ये स्किन जो है ये थोड़ी सी ग्लोइंग स्किन है। तो बहुत अमेजिंग बेनिफिट मिलेंगे, मैं इतने बेनिफिट हैं कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती हूँ। और जो फिलहाल ये वाला वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ना, इससे पहले मैं ये फेशियल ही करने बैठी हुई थी, और मैं फेशियल करके ही वीडियो शूट कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कितना ग्लो, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितनी सारी पार्ट, जबकि मैं हर रोज स्किन केयर करती हूँ, फिर भी फेशियल का एक अलग ही अपना मजा आता है स्किन को, स्किन बिल्कुल फ्रेश फील करती है, और हमें भी लगता है कि पता नहीं कितनी धूल मिट्टी निकल गई है और हम बिल्कुल फ्रेश बन गए हैं। तो इस फेशियल को जरूर करके देखिएगा, और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। इस फेशियल का फीडबैक भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, और हाँ, हमारा एक और चैनल है, दूसरा चैनल दाकुसुम चैनल, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो पे क्लिक करना है, व्यू प्रोडक्ट आएगा, उस पे क्लिक करना है, बहुत सारे प्रोडक्ट निकल आएंगे, तो आप यहाँ डेफिनेटली उनको भी परचेज कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।